हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों हमने पहले वीडियो डाली थी कल शिक्षण और अधिगम के बारे में, तो इसके बारे में हमने पूरा बताया था कि ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, विशेषता क्या होती है और इनमें संबंध और अंतर क्या है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से शिक्षण और अधिगम से आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है आगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने हमारी ये वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है, शिक्षण और अधिगम का अर्थ, सिद्धांत, प्रक्रिया, संबंध एवं अंतर, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें क्योंकि ये वीडियो देखोगे तभी आपको हमारी ये वीडियो समझ में आएगी, क्वेश्चन एंड आंसर वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों हमारे पास अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर 53 क्वेश्चन नंबर है। इसके अंदर इन्होंने शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें हमें ये देखने कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। देखिए हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे आते हैं और उन्हीं को एनालाइज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपने ऑप्शन नंबर 2 राइट दिया है, इसके अंदर 3 हम देखते हैं शिक्षण अधिगम से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, ये बात मैंने आपको कल अच्छे से समझाई थी और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे अपना ऑप्शन आता है 4th, शिक्षण कृति सूचक शब्द है जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये भी मैंने बताया था कि जो शिक्षण है वो हमारे एक काम के जैसा है, जैसे हम काम करने जाते हैं उसके जैसे है, जैसे बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, सुबह 8 बजे जाता है, 2 बजे आता है तो वहाँ पर काम करता है, जैसे राइटिंग का काम करता है और तरह के काफ़ी तरह के शिक्षण से रिलेटेड वो काम करता है। और अब देखिए अधिगम, अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। अधिगम के अंदर क्या होता है कि हमने क्या सीखा, किस तरह से क्या सीखा, उसके अंदर हम ये देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने क्या सीखा है, यानी कि अधिगम हमने क्या सीखा वो है, और जो शिक्षण है वो कृति सूचक यानी कि काम के जैसा शब्द है। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला इसके अंदर 6th है, अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। दोस्तों इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि देखिए शिक्षण के अंदर अधिगम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि शिक्षण के अंदर हम अधिगम को ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बाउंडेशन नहीं है कि शिक्षण के अंदर अधिगम होना ही होना चाहिए, ये हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि शिक्षण के अंदर अधिगम हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा ठीक होगा। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिखा देता हूँ ताकि इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप इंग्लिश में इनको पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि 3rd के अंदर दिया है टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। दोस्तों यहाँ पे आप सारे ऑप्शन पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और मैंने इनके बारे में हिंदी में भी आपको बता दिया है, बात वही है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क है, ये इंग्लिश में वो हिंदी में है, तो यहाँ से आप देख लेना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है शिक्षण एवं अधिगम से। अब ये देखिए दोस्तों जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसके अंदर 55 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर भी इन्होंने वही पूछा हुआ है, शिक्षण एवं अधिगम के संबंधों के बारे में पूछा हुआ है कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए इसके अंदर भी हम सीधा डायरेक्ट आंसर पर आते हैं और उसके ऑप्शन पर बात करते हैं। देखिए इसने सबसे पहले 1st दिया है, इसमें देखिए जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम किसी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 में से अगर 30 के 30 फेल हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो शिक्षक ही फेल है, वो भी असफल हुआ है, उसे अच्छे से पढ़ाना नहीं आता। तो शिक्षक को भी सोचना चाहिए कि मेरी कमी कहाँ पे है, चाहे कितने भी बच्चे फेल हो उसके एक बार, कम से कम एक बार के लिए शिक्षक को सोचना
चाहिए कि मेरे में कहाँ पे कमी है, क्या दिक्कत है, तो उसे भी अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, इसके अंदर प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ये मैंने नोट्स में भी बताई थी कि देखो जब हम शिक्षण करते हैं, ये पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो उसका मेन मकसद क्या होता है? हमारा मेन मकसद होता है दूसरे को सिखाना, बच्चे को सिखाना। क्लास के अंदर अगर हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमें केवल फीस लेनी है, हमारा मकसद ये भी होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ सके, यानी कि वो सीख सके। यानी कि हमारा टारगेट क्या होता है? अधिगम को सुनिश्चित करना, ठीक है। और अगला देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। दोस्तों ये मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, ये हमारे लिए कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि अधिगम होना ही होना चाहिए, इसके बिना हमारा शिक्षण हो सकता है। और इसके अंदर मैंने डिटेल में कल की जो वीडियो थी उसमें भी बताया, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला आ गया हमारा 5th, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोस्तों कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। कोई टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा तो रहा है, दूसरों को सिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो खुद भी सीख रहा है कि किस तरह से बच्चों को समझ में आता है और किस तरह से मैं पढ़ाऊं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके, तो वो साथ ही साथ खुद भी सीखता है। और मैं आपको इसका इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर है 55, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों ये हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों वही बात है कि अगर मैं इनके सभी एक एक ऑप्शन को अगर दोबारा रिपीट करूँगा तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो यहाँ से वीडियो रोक के इनके ऑप्शन को आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आया है। यही क्वेश्चन देखिए जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया था 56, इसके अंदर क्या कहा है? अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। दोस्तों ये बात भी मैंने बताई थी कि अधिगम जो है यानी कि सीखना हमारा पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। एक अनपढ़ आदमी है वो भी पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। देखिए अधिगम क्या होता है? अधिगम हम कभी भी कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं, अधिगम के बारे में मैंने बताया था। तो अधिगम क्या होता है कि एक बूढ़ा 85 साल का बंदा होता है वो भी सीख सकता है, और एक 2 साल का बच्चा है वो भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। अगला है दोस्तों अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए यानी कि जो हमने सीखा है वो कब उपयोगी होगा? जब हम उसे अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। देखिए हमने कुछ सीख लिया, अब हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि हमने जो सीखा है वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अच्छे तरीके से हम इसे काम में ले सकते हैं। अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ के चलेंगे तभी वो हमारा अधिगम अच्छे तरीके से उपयोगी होगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे सही है, तो इसका ऑप्शन ए ये आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वही एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इंग्लिश में हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो रोक के। और अब ये देखिए दोस्तों नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर फिर से शिक्षण एवं अधिगम के बारे में इन्होंने पूछ लिया, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। और इसमें देखिए इसमें दिया है BCE, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी के ऊपर, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। दोस्तों ये बात मैंने बताई थी कि शिक्षण जो है एक सामाजिक कृत्य है, इसके अंदर हम समाज के भले के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो अधिगम है अधिगम हमारे व्यक्तिगत पर्सनल तक ही सीमित हो सकता है। तो इन दोनों में ये दोनों डिफरेंस है कि ये जो शिक्षण है वो सामाजिक होता है और जो अधिगम होता है वो पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और अगला देखते हैं हम सी, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। ये बात दोस्तों बिल्कुल एकदम राइट है। देखिए शिक्षण में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि क्लास के अंदर जब बच्चा सीखने को आता है टीचर तो सिखाता ही सिखाता है, लेकिन बच्चा अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखता है कि किस तरह से बच्चों के साथ बैठना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। स्कूल में जाने के बाद में
वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अधिगम के जरिए यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक वो सीखता है, यानी कि शिक्षण के अंदर अधिगम निहित होता है। जब टीचर सिखा रहा है तो उसके सिखाने के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता रहता है। और अगली बात है कि जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, दोस्तों ये बात बिल्कुल राइट है। अब देखिए अधिगम हम कहीं भी कैसे भी कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि एक पक्षी है, पक्षी कुछ एक्टिविटी कर रहा है, वो अपना घोंसला बना रहा है, तो उससे हमें प्रेरणा मिल सकती है, हमें वहाँ से शिक्षा मिल सकती है कि ये पक्षी देखो कितनी हार्ड वर्क कर रहा है और अपना घर बना रहा है। तो जब ये एक छोटा सा पक्षी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो वहाँ से हमें शिक्षा मिल सकती है, ऑटोमेटिक शिक्षा मिल सकती है। वो जो पक्षी है वो हमें सिखा नहीं रहा, उसको देख कर हम ऑटोमेटिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए अगला हम देखते हैं ई, शिक्षण एक अंत क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत क्रियाकारी है। अब देखिए शिक्षण के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि शिक्षण के अंदर हम कई तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, काफ़ी तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा अच्छे से शिक्षण होता है। लेकिन जो अधिगम है वो एक विषय के अंतर्गत क्रियाकारी है। देखिए अधिगम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, हमारे पास बुक होनी चाहिए या फिर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अधिगम हम कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अंतर है, ठीक है। और मैं आपको अब ये इंग्लिश में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए ये रहा हमारा इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर भी ये सारे के सारे ऑप्शन जो बी सी ई है ये यहाँ से आप देख सकते हैं, आप देख लेना। और आगे हम देखते हैं। अब एक चीज़ देखना दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से शिक्षण एवं अधिगम से तीन क्वेश्चन आए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, तीन क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमने सेपरेट टॉपिक वाइज 2012 से लेके 18 तक पीडीएफ बना रखी है। जैसे कि 2012 से लेके 18 तक रिसर्च में जितने क्वेश्चन आए वो अलग है, कम्युनिकेशन में आए वो अलग है, टीचिंग में जो आए वो अलग है, और डीआई में जो आए हैं वो अलग है। इस तरह से मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग बना रखी है और उनको आप एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक और कौन सा क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहा है। और अगर आप उस पीडीएफ को अच्छे से कर लेते तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जुलाई 2018 में उस पीडीएफ में करीब 18 क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट हुए थे। तो दोस्तों अगर आपको किसी को भी वो पीडीएफ लेनी है तो वो पीडीएफ आप ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों उस पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट भी हो सकती है, तो अगर किसी को लेनी है वो पीडीएफ तो वो ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए नवंबर 2017 का एक क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर टू है, नीचे दी गई सूची में विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावित बनाने में सहायक है। यहाँ पे भी इन्होंने शिक्षण एवं अधिगम के बारे में पूछ लिया। तो इसके अंदर हम ऑप्शन पे आते हैं। ये ऑप्शन ए विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट हमसे सीख रहा है उसे कितना आता है, उसका पहले का एक्सपीरियंस कितना है। अगर हमें उसके बारे में पता होगा, उसके लेवल के बारे में पता होगा, तभी हम उसे अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं आगे। अब देखिए अगला सी आता है विद्यार्थी की अभिक्षमता, यानी कि जो जिस स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं वो कितना कैरी कर सकता है, यानी कि कितना वो ले सकता है, उसकी अक्षमता कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उसे थोड़ा सा बताओ और वो अपने आप समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है, एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, तब जाके उनको समझ में आता है,
ठीक है, तो ये उनकी अभीक क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। अगला है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के विकास की अवस्था, यानी कि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा कितनी देर में सीख रहा, कितना टाइम ले रहा है, विकास की अवस्था ये हमें पता होना चाहिए, उनकी प्रोग्रेस किस हिसाब से चल रही है ये हमें पता होना चाहिए। वही बात आ गई जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, यानी कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है, कि किस हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। और जैसे कि और ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे खाने पीने की आदतें ये मायने नहीं रखती ज़्यादा, और पारिवारिक वंश परंपरा ये भी मायने नहीं रखती, धार्मिक संबद्धता ये भी मायने नहीं रखती। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं ये इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये देख ली, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने साथ में यहीं पे दे दिया है, तो इसमें देखते हैं हम अधिगम और शिक्षण के बारे में ही है ये। कथन दिए इन्होंने हमें, देखना कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, दोस्तों ये बात सही है, इन्होंने सही कहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और शिक्षण के अंदर अंदर अधिगम निहित होता है। और अगला है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। दोस्तों ये बात करीब 3 बार आ चुकी है अब से पहले, और मैंने आपको बताया है कि ये घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं बात को। देखिए इसका मतलब क्या है कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। ये देखिए आवश्यक कहा है इन्होंने, नेसेसरी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा हमारा। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, लेकिन आर गलत है, ये बात हो जाएगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और इससे पहले मैं यही आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा इंग्लिश के अंदर है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे रिपीट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण करता है। इसके अंदर हमें शिक्षण और अधिगम से ही रिलेटेड है ये। देखिए इसके अंदर इन्होंने आंसर 3, जो ऑप्शन 3 है वो राइट दिया है। इसके अंदर ACF, ए पे हम बात करते हैं, शिक्षण और अधिगम अविच्छेद रूप से संबंधित है, यानी कि वही बात होगी जो मैंने आपको बताई है कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब अगला देखते हैं सी, समस्त शिक्षण का सारोकार छात्र में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोस्तों बात वही है, ये बस घुमा फिरा के दे रहे हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है, यानी कि शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षण करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंज आ सके, उसके अंदर अगर कुछ गलत आदतें हैं तो वो उसमें सुधर सके, यानी कि उसमें अच्छी तरह से रूपांतरण आ सके, उसको सुनिश्चित करना होता है। और अगला देखते हैं हम ऑप्शन नंबर F, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार, ये ऑप्शन कितनी बार आ चुका है, ये बिल्कुल आसान है, इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया ऑलरेडी। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि क्वेश्चन है बस उसी को, एक क्वेश्चन है उसी को घुमा फिरा के उसके ऑप्शन है वो दे रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऑप्शन है, बस थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, लेकिन हमें पहचानने की आवश्यकता है, हमें पहचानना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है और किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम पास नहीं कर सकते, हम अच्छे से नेट प्लस JRF तक ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर इन्होंने पूछा है अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, यानी कि अधिगमकर्ता की विशेषता इन्होंने पूछा हुआ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अधिगमकर्ता कौन है, यानी कि इसका मतलब है स्टूडेंट की क्या विशेषता होनी चाहिए। ये देखिए ये ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ा है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, ये हमने पीछे अभी पढ़ा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो।
कि हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का पहला क्या अनुभव रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है और उसे कितना आता है। तभी अगर ये सारी चीज़ें हमें पता होगी तभी हम उसे अच्छे से टीच कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अब मैं आपको ये इंग्लिश में दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं भूल गया था दिखाना आपको, अभी दिखा देता हूँ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक और दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इनको बिल्कुल आसानी से, तो आप पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएंगे। तब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसके अंदर अभिकथन और तर्क दिए, तो देखने हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब ये देखिए सबसे पहले अभिकथन, इसने दिया है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। दोस्तों देख लो यार कितना रिपीट हो रहा है इसका, तो एक सेकंड के अंदर हम दे सकते हैं कितनी बार हमने ये पढ़ लिया। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये हमारी बात, ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया तो मैं क्या बताऊँ अब इसके बारे में। अगला है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। अब ये हमें देखना है, ये हमें ध्यान में देना है। देखिए समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए अधिगम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिगम हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। एक बच्चा है जो किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, तो उसे अपने आप ज्ञान हो जाता है कि इस चीज़ को हाथ लगाने से हमारा हाथ जल जाएगा तो आगे से वो आग को कभी हाथ नहीं लगाएगा। हम उसे सिखा नहीं रहे, वो अपने आप सीख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षण का परिणाम नहीं होता, हम उसे सिखा नहीं रहे, वो अपने आप सीख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन हैं, कितने आसान क्वेश्चन हैं और बिल्कुल आसानी से हम इनके आंसर दे पा रहे हैं। तो दोस्तों आवश्यकता है बस हमें थोड़ा सा इन्हें एनालाइज़ करने की, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है और हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों मेरा जो नेट हुआ है उसका भी यही सबसे बड़ा राज था, मैंने हर एक टॉपिक को एनालाइज़ किया, उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उन सभी को इकट्ठा किया, एनालाइज़ किया और जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी मैं आंसर दे पा रहा था। तो दोस्तों मैंने इस पे पीडीएफ भी बना रखे, मैंने आपको पहले भी बताया, तो अगर आपको वो पीडीएफ लेनी है तो आप वो पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।